सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, गणित के क्षेत्र में जो वैदिक गणित की देन है वो बहुत बड़ी है। गणित अक्सर एक अरुचिकर और कठिन विषय माना जाता है, लेकिन वैदिक मैथ के जो सूत्र हैं, वैदिक गणित के जो सूत्र हैं, वो गणित को रुचिकर और बहुत आसान तरीके से समझाने में बहुत ज्यादा कारगर है। इसी कड़ी में आज हम एक 3x3 मैजिक स्केयर बनाते हैं। ये जो मैजिक स्केयर है, वैदिक गणित में एक सूत्र है जिसका नाम है परावर्त्य योज्यत, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपोज एंड अप्लाई। ट्रांसपोज करना है हमें और अप्लाई कर देना है, या फिर ट्रांसपोज एंड एडजस्ट भी आप कह सकते हो। तो किस तरह से इस गणित के वैदिक गणित के एक सूत्र की सहायता से आप मैजिक स्केयर आसानी से बना सकते हैं, देखते हैं। हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक 3x3 का मैजिक स्केयर है। आप इनमें से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के मिडल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमने क्या किया, उसको अलग से मार्क कर दिया। जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं उसको हमने अलग से मार्क कर दिया। तो इस तरह से हमें, अब आप देखेंगे कि हमें इस डायरेक्शन में, डायगोनल डायरेक्शन में चलना है। हमें जो चल रहा है वो डायगोनल डायरेक्शन में, यहां से हो गया एक, हमारे पास यहां पे हो गया और एक हमारे पास यहां पे हो गया। तो ये डायगोनल हो गए हमारे। अब आपको करना क्या है, बहुत आसान सा तरीका है। यहां पे आप 1 लिखें, यहां आप 2 लिखें, यहां आप 3 लिखें, यहां आप 4 लिखें, यहां आप 5 लिखें, यहां आप 6 लिखें, यहां पे आप 7 लिखें, यहां पे आप 8 लिखें और यहां पे आप 9 लिखें। तो अब वैदिक गणित का सूत्र क्या कहता है कि ट्रांसपोज कर दो और अप्लाई कर दो, एडजस्ट कर दो। जस्ट आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कर दो और अप्लाई कर दो। ट्रांसपोज करने से क्या होता है, जो हमारे लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, जो टॉप पे होता है वो बॉटम में आ जाता है और जो बॉटम में होता है वो टॉप में आ जाते हैं। तो देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हमारे पास ये जो 3x3 का मैजिक स्केयर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये जो नंबर है, ये जो बाहर नंबर हुए, ये जो टॉप में है ये बॉटम में आ जाएगा और जो बॉटम में है वो टॉप में चला जाएगा, तो जगह इनकी ये रहेगी। अब देखो, 8 हमारे पास ये है 8, इसका तो कुछ नहीं करना हमें, तो ये जो बाहर बॉक्स में है इनको 3x3 का बनाना है, तो हमें क्या करना है, इनको इन चारों को एडजस्ट करना है। तो उसने कहा है कि ट्रांसपोज एंड अप्लाई, या फिर ट्रांसपोज है एंड एडजस्ट, अप्लाई या फिर एडजस्ट, अप्लाई करना या फिर एडजस्ट करना। तो आपको देखो, ट्रांसपोज करेंगे तो टॉप बॉटम में चला जाएगा और बॉटम टॉप में चला जाएगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 8, 6 हमारा ऐसे ही रहा, यहां 5 हमारा ऐसे ही है, ये 4 हमारे पास ऐसे ही है और ये 2 हमारे पास ऐसे ही है। अब देखो, ये जो बॉटम में था ये टॉप पे चला जाएगा, तो टॉप पे यहां पे आ जाएगा 1, और ये टॉप पे था जो ये बॉटम पे चला जाएगा, तो यहां पे आ गया ये 9। अब ये जो लेफ्ट में था ये राइट में चला जाएगा और जो राइट में था वो लेफ्ट में चला, तो 7 हमारे पास यहां पे आ जाएगा और 3 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। तो ये हमारा मैजिक स्केयर कंप्लीट हो जाता है। तो वैदिक गणित की सहायता से किस तरह से जो चीजें हैं
जो गणित की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो कितनी आसानी से, विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन है कितनी आसानी से हम अप्लाई कर लेते हैं और कितना इंटरेस्टिंग तरीके से ये काम किया जा सकता है। आप देखेंगे इनका जो सम है, आप इसका सम करें 15, यहां पे इसका सम करें ये भी 15 और यहां पे इसका सम करें ये भी 15। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो ये भी 15 है हमारे पास, इसका सम करेंगे तो ये भी 15 है हमारे पास, इसका सम यहाँ पे भी 15 है, और अगर डायगनली देखें तो ये भी 15 है और इस डायगनल को देखें हम तो ये भी हमारे पास 15 है। सम निकाल लेगा हमारे पास एक आसान सा तरीका बिल्कुल ये है, जो भी सेंट्रल स्केयर है, जो भी सेंट्रल स्केयर है 3x3 मैजिक स्केयर के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x3 मैजिक स्केयर के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें सम का पता चल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यह था हमारा वैदिक गणित के सूत्र के द्वारा जिसका नाम था प्रावर्त्य योज्य, उसकी सहायता से 3x3 का मैजिक स्केयर। थैंक यू वेरी मच।